हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने की सराहना की। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि संविधान के तहत नौकरी और शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण को बढ़ाया गया है, इससे गरीब वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सकारात्मक सोच के कारण ही सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सीएम को पत्र लिखने पर अभिमन्यु ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने में लगा हुआ है। कैप्टन ने कहा कि 5 नगर निगमों के चुनाव परिणामों ने सबकी पोल पट्टी खोल दी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की पहल पर जो कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि सामान्य श्रेणी के लोगों को भी शिक्षा के साथ साथ नौकरी में आरक्षण मिलेगा और उसमें 5 एकड़ तक की सीमा और 8 लाख रुपए तक की सालाना आय की सीमा रखी है। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जिससे देश में जो एक भेदभाव का वातावरण बन रहा था, परस्पर एक अविश्वास का वातावरण बन रहा था, ये समाज में विश्वास बहाली में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार ने उठाया है। मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट के इस कदम की सराहना करते हुए इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत के संविधान निर्माताओं का जो सामाजिक आर्थिक न्याय देने का जो संकल्प था वह इस कदम से वो पूरा होगा। केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के प्रावधान कर सामान्य वर्ग के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार के इस फैसले की प्रदेश की बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जमकर के तारीफ की है। रामविलास शर्मा ने पीएम मोदी द्वारा स्वर्णों को आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश के गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए गरीब वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीएम मोदी ने इससे पहले किसानों की फसल का एमएसपी लागू किया जिससे किसानों की आमदनी में काफी बढ़ोतरी हुई। गरीब का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसान का भला करते हैं, हरिजन बैकवर्ड का कल्याण करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और कल उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। स्वर्ण वर्ग के लोगों को 10% का जो आरक्षण दिया है ये उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। अब तक 990 रुपया प्रति क्विंटल बाजरे का दाम होता था, नरेंद्र भाई मोदी ने इस बार सतनाली की मंडी में, महेंद्रगढ़ की, अटेली में, कनीना में, नारनौल में 1950 रुपया प्रति क्विंटल बाजरा बिका, लगभग 97% की वृद्धि नरेंद्र भाई मोदी ने किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए किया। मोदी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के फैसले के बाद महेंद्रगढ़ की जनता ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की है। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर ये फैसला जल्द किया गया होता तो अच्छा होता। 10% आरक्षण दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, एक बहुत अच्छी सोच दिखाई है, इसको थोड़ा और पहले देना चाहिए था। और जितने भी गरीब लोग हैं आर्थिक आधार पर स्वर्ण जात के अंदर, उन लोगों को बड़ा लाभ होगा। हम बीसी में हैं, हमारा कोटा है, लेकिन अगर राष्ट्र हित में या समाज के हित में जो सरकार आगे आई है हम उसका दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन इस समय ये चुनाव का माहौल है, अगर ये चाहते तो पहले करते। स्वर्ण जाति के लिए 10% का आरक्षण निश्चित किया है, ये बड़ी अच्छी सोच है। हर वर्ग में गरीब और अमीर सभी तरह के लोग हैं, हकदार है, और आपने उसकी सीमा भी रखी है आर्थिक आधार पर, उसके अनुसार आपने बड़ा अच्छा ये विचार किया। आरक्षण देना स्वर्ण जाति को, कमजोर वर्ग के लोग सभी जातियों में, वो एक बहुत उचित बात है, परंतु कुछ लोग इसे
2019 के चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं कि चुनाव की रेवड़ियां ना हो कहीं। इसलिए ये काम अगर करना था मोदी जी को तो समय से पहले करना था।